श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रण्वन्नूतिभिस्सीदसादनम् महागणपतये नमः प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनाम वित्र्यवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजतागन्तु यज्ञम् हवन् देवी जुजुषाणा घृताची शग्मान्नो वाच मुशती शृणोतु वाग्देव्यै नमः ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति 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 ही। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। आज हम अथर्ववेद का कांड 6 सूक्त नंबर 27 पढ़ेंगे और इसमें 3 मंत्र हैं। आप लोग जो देख रहे हैं उनको बहुत साधुवाद, मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। सप्तविंशम सूक्तम, पहला मंत्र है ऋषि भृगु देवता यम निरृति छंद जगति कपोत निरृत्या स्तुत देवा कपोत ईशितो यदि छंदूतो निरृत्या इदमा जगाम तस्मा अर्चाम कृणवाम निष्कृतिम शन्नो अस्तु द्विपदे शन चतुष्पदे हे देवाह जानियो वह का पोत है, आनंद का पोत यानी कि जलयान जहाज। ईशितः ईशितम अस्य अस्तीति प्रेरणा देने वाला, निररित्याह दूतः दुर्गति को उपतप्त करके दूर करने वाला प्रभु, यत जब इच्छन हमारा हित चाहता हुआ इदम आजगाम इस हमारे हृदय देश में प्राप्त होता है तब तस्मै उस प्रभु के लिए हम अर्चाम यानी पूजन करते हैं और इस प्रकार निष्कृतिम कृणवाम सब पापों का बहिष्कार करते हैं। प्रभु पूजन के द्वारा हम पापों को अपने से दूर करते हैं और इस प्रकार यही चाहते हैं कि नह हमारे द्विपदे यानी दो पांव वाले मनुष्यों के लिए शमस्तु शांति हो और चतुष्पदे शम चार पांव वाले पर पशुओं के लिए भी शांति हो। दो पांव वाले तो मनुष्य हैं और चार पांव वाले पशु हैं, उन सबके लिए यानी प्रभु जो हैं वो आनंद के समुद्र हैं, हमें कर्तव्य कर्म की प्रेरणा देने वाले हैं, कष्टों को दूर करने वाले हैं। हम हृदय में उनका अर्चन करें और इस प्रकार अपने कष्टों को दूर करते हुए शांति प्राप्त करें। तो इस मंत्र में है हम सबके लिए शांति की इच्छा करते हैं। दूसरा मंत्र है ऋषि भृगु देवता यम निरृति छंद जगति शिव शकुन शिव कपोत इशितो नो अस्त्व नागा देवा शकुनो ग्रहम नह अग्निर्हि विप्रोजुषताम हविर्न परिहेति पक्षिणी नो व्रणक्तु हे देवा जानियो यह इशितः प्रेरणा प्राप्त कराने वाला कपोत आनंद का पोत
प्रभु नह हमारे लिए शिव यानी कल्याण कराने वाला अनागाह हमें निष्पाप बनाने वाला अस्तु हो। नह हमारे ग्रहम यानी घर को शकुनह यह शक्ति संपन्न करे। प्रभु का उपासन करते हुए हमारे घर के सब व्यक्ति शक्ति संपन्न हो। वह अग्नि यानी अग्रणी प्रभु ही निश्चय से विप्रह हमारा विशेष रूप से पूर्ण करने वाला है। वह नह हमारी हवी है जुषताम हवी का प्रीति पूर्वक सेवन करे। हम यज्ञशील हों और प्रभु हमारे यज्ञों को स्वीकार करे। यज्ञ मतलब जो मानव पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए जो भी हम प्रोजेक्ट्स करते हैं उनको प्रभु स्वीकार करें। यज्ञशील होने पर पक्षिणी यानी पक्ष परिग्रहे परिग्रह संबंधी हेती है लोभ रूप वज्र नह हमें परिव्रणक्तु छोड़ने वाला हो। हम पर लोभ रूप वज्र का प्रभार न हो यानी कि हम लालच में न फंस जाएं। तो भावार्थ है हम प्रभु का स्मरण करें। प्रभु हमारा कल्याण करते हैं हमें शक्तिशाली व निष्पाप बनाते हैं। यह प्रभु स्मरण ही हमें यज्ञशील बनाकर लोभ वज्र के प्रहार से बचाता है। तीसरा मंत्र है ऋषि भृगुः देवता यमः निररितिः छन्दः जगति प्रभु स्मरण व यज्ञशीलता हेतिः पक्षिणी न दभात्यस्मानाष्ट्री पदम कृणुते अग्निधाने शिवो गोभ्य उत पुरुषेभ्यो नो अस्तु मानो देवो इह हिंसीत कपोतः। तो प्रभु स्मरण होने पर पक्षिणी हेतिः परिग्रह संबंधी लोभ वज्र लोभ वृत्ति रूप वज्र असमान हमें न दधात हिंसित नहीं करता। आष्ट्री मतलब अश्व्याप्त कर्मों में व्याप्त रहने वाला वह प्रभु भक्त अग्निधाने हविर्धाने अग्निहोत्र करने के स्थान भूत कमरे में पदम कृणुते पग रखता है अर्थात सदा यज्ञशील बनता है। ऐसा होने पर नह गोभ्यः हमारी गौओं के लिए उत और पुरुषेभ्यः घर के सब व्यक्तियों के लिए शिवः अस्तु वे प्रभु कल्याण करने वाले हों। हे देवाः जानी पुरुषों नहा हमें कपोतः वे आनंद के समुद्र प्रभु इह इस जीवन में मा हिंसित हिंसित ना करें। हम प्रभु से दंडनीय ना होकर प्रभु से अनुग्रहणीय हों। तो भावार्थ लोभ से ऊपर उठकर हम जो है वो यज्ञ करें क्योंकि यज्ञ में दान करते हैं तो दान जो है वो काटता है लोभ को लालच को। यह यज्ञशीलता हमारा कल्याण करेगी और हमें प्रभु से अनुग्रहणीय बनाएगी यानी प्रभु हम पर कृपा करेंगे। फिर तो आज के लिए इतना ही था। जो देख रहे हैं और जो देखेंगे उन सबको साधुवाद। जय सनातन हिंदू राष्ट्र। अब मैं यजुर्वेद के दो मंत्र पढ़ूंगी। जय श्री राम।